साल की पहली तारीख को तृणमूल कांग्रेस यानी की टीएमसी पार्टी की स्थापना के 26 साल पूरे हो गए। 1 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। हर साल इसी दिन को टीएमसी काफी धूमधाम से मनाती है, जिसकी तस्वीर बंगाल के हर गली के चौराहे पर देखी गई। ठीक ऐसा ही नजारा देखा गया कोलकाता के वार्ड नंबर 46 में, जहाँ ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ करीब सैकड़ों लोगों में कंबल बांटे गए। इस दौरान चीफ गेस्ट के रूप में एमपी सुदीप बंदोपाध्याय, एमएलए नैना बंदोपाध्याय, वार्ड नंबर 44 टीएमसी प्रेसिडेंट गोपाल चंद्र, इलाके के काउंसिलर समेत कई लोग शामिल हुए। होगा ये हमारे युक्त राष्ट्रीय कठामों में, जिसको हम लोग कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो केंद्र राज्यों को देखेंगे, राज्यों भी केंद्र को देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं ये चीचल नंबर वार्ड में हमारे गांधी जो काउंसिलर थे, अभी प्रियंका उसका पति नहीं, उन्होंने काउंसिलर हुआ, एक अच्छा संगठन का वातावरण बनाया। 60 वार्ड कितना बड़ा होता है आप लोग सोचिए ना, ये 46 वार्ड है। इतना अच्छा कंबल, इतना अच्छा के सजा के बांटना, ये कितना अच्छा काम होता है ये आप नहीं सोचेंगे। मैं कहूंगा कि मेरा कैमरा तृणमूल का जब प्रतिष्ठा हुआ था तब से मैं तृणमूल कर रहा हूँ। तो हर साल का भांति इस साल भी हम लोग 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन हम लोग को सिंबल दिया था, तो इसीलिए आज का दिन हम लोग उसको प्रतिष्ठा दिवस हिसाब से पालन करते हैं। और दूसरी बात है, इंग्लिश कैलेंडर का आज नया साल है 2024, तो इसका हम लोग इस अंचल के सभी को हम लोग नया वर्ष का और साथ ही प्रतिष्ठा दिवस में हम लोग हर वर्कर को, हर सभी को हम लोग शुभकामनाएं जनाते हैं। तो सबका सहयोग से हम लोग यह कम्बल बांट रहे हैं और जितना बन पड़ा हम लोग कर रहे हैं। उसका एक्टर बांटते देते चाहिए। देखो जे सरकार दिल्ली से आछे ওরা কিছু নেই, যে যা ওরা বলে এসছিলেন 15 লাখ টাকা করে মাসে প্রতিটা অ্যাকাউন্টে ব্যাংকে যাবে, 2 কোটি লোকের চাকরি প্রতি বছর হবে, কোনোটাই ফলপ্রসূ হয়নি। তো যখন মানুষের কোনো কাজই হলো না, তারপর আপনারা দেখছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বঞ্চিত হচ্ছে। আপনার নরেগা স্কিম, 100 ডে ওয়ার্কারের আবাসন যোজনাতে এই টাকাগুলো আটকে রেখেছে। এর জন্য আপনারা দেখেছেন কি বিগত দিনে যন্তর মন্তরে আমাদের যখন গান্ধীজিকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার পর ওখানে একটা খুব শান্তিপূর্ণ ধর্ণা যাচ্ছে, ওখানে পুলিশ কীভাবে লাঠিচার্জ করলো। তো এই যে জিনিসগুলো ঘটলো এটা ঠিক না, এটা একটা ফেডারেল স্ট্রাকচার, একটা গণতন্ত্র, যেটা ঠিক না। তো আমরা এই মানুষকে একটাই বার্তা দেবো যে দিল্লিতে তানাশাহ সরকার আছে, তার বিরুদ্ধে আপনার গর্জে উঠুন এবং তাকে উখড়ে ফেলুন। ঠিক আছে, ও তো ওলো কা পার্টি কা বিষয়, হামলো কা নেত্রী মমতা ব্যানার্জি কা নেতৃত্বে হামলো লড়েঙ্গে আর पुरजोर से हम लोग लड़ेंगे। अपना दिलो जान से हम लोग जितना हम लोग कर सकते हैं। देखिए, हम इस वार्ड में 46 वार्ड से हम लोग हर बासिंदा को हम लोग समझाएंगे कि जो एनडीए है उसको एक भी वोट ना मिले, और जो उनके विरुद्ध में हम लोग जो है ममता दी का जो सरकार चल रही है उनको पूरा समर्थन दें। देखिए, मैं 2015 में इस वार्ड में काउंसिलर बना था, अभी काउंसिलर प्रियंका सा, उसके बाद 2016 बोलिए, 19 बोलिए, 21 का एमएलए इलेक्शन बोलिए, 21 का काउंसिलर इलेक्शन बोलिए, हर बार हम लोग का मार्जिन बढ़ा है। तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इस साल और हम लोग मेहनत करके आगे बढ़े। तो आप लोग देख रहे हैं इस बार, ये तो मिनी इंडिया है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैनी पंजाबी सिख सब हम लोग एक साथ बास करते हैं और बहुत खुशी खुशी बास करते हैं। यहाँ पे केक का दुकान है, नाहूम केक का दुकान, वो जो मालिक है नाहूम केक का दुकान है, बहुत पुराना, वो एक ज्यूस है, और उसमें जो कारीगर है सब हमारे मुस्लिम भाई हैं। आज जब पर्व क्रिसमस का पर्व होता है या 1 जनवरी क्रिश्चियन लोग का जो क्रिसमस पर्व होता है, लेकिन लाइन में ज़्यादातर खड़ा हिंदू रहता है। तो ये तो इंडिया यही नज़र आ रहा है आपको, दुकान ज्यूस का, कारीगर सब मुस्लिम भाई, और पर्व 25 दिसंबर जब जीसस का जन्मदिन का दिन, और हम लोग सब जाके वहाँ केक खरीद रहे हैं।
रखे उसने, अब सबको समझाते हैं। देखिए वो लोग बांटने का कोशिश करेंगे, हम लोग जोड़ने का कोशिश करेंगे। यहाँ आप लोग अगर आए होंगे देखेंगे दुर्गा पूजा में हम लोग कपड़ा बांटते हैं, तो दुर्गा पूजा कपड़ा खाली हम लोग जो दुर्गा पूजा बना रहे उसके लिए नहीं, खुशी हम लोग सब हम लोग नेत्री बोलते हैं। धर्म सब अलग अलग धर्म अलग होता है, किंतु पर्व उत्सव हम लोग एक साथ मनाई, तो ये हम लोग मेंटेन करते हैं इसको।